हेलो गाइस, मैं हूँ श्यामा वेस्ट बंगाल इंडिया से। आज हम हुंडई मोबिलियो का ऑयल कूलर से मोबिल लेकर आ रहे हैं। उसका सारे पैकिंग चेंज करने वाले हैं। हमने वाटर पंप खोल लिया है और ऑयल कूलर का चापा भी खोल लिया है। अभी हम यहाँ पे साफ़ सफाई करिए। देखिए, ये ऑयल कूलर है, इसका पैकिंग हमने चेंज कर दिया है और रिबन कर दिया है। और ये है वाटर पम्प, इस पर एक ऐसी जगह बोल्ट रहता है, आपको दिखा देंगे कहाँ पे एक बोल्ट रहता है, बहुत ही ख़तरनाक जगह पे, वो ढूंढते हुए भी मिलती नहीं। हम ऑयल कूलर का चापा हमने फिटिंग कर दिया है, बोल्ट टाइट करेंगे। हुंडई मोबिलियो एमएज ज़्यादातर कार में यहीं से ऑयल लीक होता है और मेन ऑयल सील से ऑयल लीक होता है। हमने वाटर पंप भी रिबॉन्ड कर दिया है और पैकिंग भी चेंज कर दिया है, अभी उसको फिटिंग करेंगे। वाटर पंप को फिटिंग कर रहे हैं अभी। मैंने वाटर पंप को बिठा दिया। ये देखो, ये बोल्ट इसके नीचे रहता है, लंबा सा 10 नंबर बोल्ट रहता है, इसमें आपका ऑल्टरनेटर बैठता है। इसके नीचे एक होल रहता है, उसके अंदर वो बोल्ट रहता है। अब आप अगर पहली बार वाटर पंप खोल रहे हो तो ध्यान से देख लेना, नहीं तो वाटर पंप टूट जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे रहता है इसका बोल्ट। बोल्ट को फिटिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। वाटर पम्प फिटिंग करेंगे और इसका सारा पाइप फिटिंग करेंगे, नीचे का कॉम्प्रेसर फिटिंग करना होगा, इसके बाद साइलेंसर के दोनों पार्ट को फिटिंग करेंगे। वाटर पम्प हमारा फुल टाइट हो गया, अभी एसी कॉम्प्रेसर को फिटिंग करेंगे। एसी हमारा एसी कॉम्प्रेसर ऑल्टरनेटर सारे फिटिंग हो गया। यह हमारा गैरेज है, अभी बेल्ट को चलाना है। बेल्ट का एडजस्टर हमने खोल लिया था, ये ऑल्टरनेटर के बोर्ड खोलने में दिक्कतें हो रही थी, इसलिए वो भी हम फिटिंग कर दिया। अभी बेल्ट फिटिंग हो गया, बेल्ट फिटिंग कर दिया हमने। हमारी काम अभी हो चुका है, अभी जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हमने कार को स्टार्ट कर लिया है, देख सकते हैं। गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।